स्टूडेंट, क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि ये बैलेंस शीट बनाए तो कैसे बनाए, ये एसेट्स क्या होता है, ये लाइबिलिटी क्या होता है, क्यों हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होते हैं? अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसे है जिसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है तो सारे कंफ्यूजन मिटा देगा ये एक अकेला वीडियो। यस, ये एक 12 मिनट का वीडियो है जो आपको बैलेंस शीट में एक्सपर्ट बना देगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन कराऊंगा, खुद करोगे वो क्वेश्चन और आपको खुद लग जाएगा कि यस मुझे बैलेंस शीट अच्छी तरह से समझ में आ गई। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप जॉब कर रहे हो, क्या आप बिजनेसमैन हो, क्या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, बच्चा बच्चा यहां पे बैलेंस शीट सीख जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट होती क्या है? अरे बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं संपत्ति क्या क्या है। जैसे कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी का लैंड कितना है, कंपनी के पास बिल्डिंग कितने रुपए की है, कंपनी के पास व्हीकल कितने हैं, लैपटॉप कितने हैं, मतलब उसके पास संपत्ति कितनी है, वो क्या होता है, एसेट होता है। और बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, उसको क्या क्या लोगों को पे करने हैं। अगर उसको किसी को, सपोज करो किसी को सैलरी पे करनी है, अभी तक पे नहीं की है, तो वो मेरी क्या आएगी, लाइबिलिटी में आएगी। तो बैलेंस शीट क्या बताता है, बैलेंस शीट बताता है, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं रिलायबल पेन लिमिटेड की, तो ये बैलेंस शीट बताता है राइट साइड होता है एसेट और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका लाइबिलिटी। तो एसेट्स क्या बताता है, कंपनी के पास 5.5 लाख रुपए की लैंड है, उसके पास बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है, फर्नीचर 20,000 का है, व्हीकल 30,000 का है, उसके पास स्टॉक है, कैश है, बैंक है, तो ये सब क्या है, मेरा एसेट होता है। और लेफ्ट साइड क्या बताता है, लाइबिलिटी, कंपनी को क्या क्या लोगों को पे करना है। तो उसको अपने मालिक को, जो उसका मालिक है, ओनर है, उसको उसको 2 लाख पे करने हैं, उसको ये लॉन्ग टर्म लोन है 5 लाख रुपए, उसको किसी को सैलरी देनी है, उसको क्रेडिटर्स को पे करने हैं, तो ये लाइबिलिटीज है। और बैलेंस शीट की खास बात जानते हो, हमेशा एसेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होगा। मतलब अगर ये 10 लाख है एसेट, तो भैया लाइबिलिटी भी 10 लाख होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसेट ज्यादा लाइबिलिटी कम या लाइबिलिटी ज्यादा एसेट कम, नहीं, एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में हमेशा इक्वल होना चाहिए, बिकॉज हम अकाउंट में फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो फटाफट अपन डील करते हैं, ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले मैं अपने एसेट्स में आ जाता हूं, राइट साइड में एसेट्स में आ जाता हूं। एसेट्स क्या होते हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, जिस पे मेरा हक है, जो मेरे नाम पे है, जिसको मैं रीसेल कर सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास एक लैंड है 10 लाख रुपए का, तो वो मेरे नाम पे है, उसको मैं रीसेल कर सकता हूं, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो क्या आएगा, एसेट में होगा। बिल्डिंग है, व्हीकल है, कैश है, इन सब की जो लाइफ है ना, वो 1 साल से ज्यादा है। डेटर, मुझे किसी से पैसे लेने, मैं पेन बेचता हूं, मैंने पेन बेचा 1 लाख रुपए का, अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने सपोज करो राहुल को पेन बेचा, तो मुझे राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो वो भी क्या हो गया, एसेट। तो एसेट वो है जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, या मुझे किसी से अगर कुछ पैसे लेने हैं तो वो भी मेरा एसेट है, मुझे राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं, वो भी मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है, बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, तो ये सब क्या है, मेरे एसेट्स हैं, पेटेंट कॉपीराइट इन सब क्या है, मेरे एसेट्स हैं। तो ये मैंने रिलायबल पेन के बारे में बता दिया कि इसके एसेट्स ये हैं। तो सर ये लायबिलिटीज क्या होती है, अरे लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो मुझे किसी को पे करना है, क्या करना है, किसी को पे करना है। अगर सपोज करो मैं आपको बताऊं कि लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सपोज करो, पहले मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी बताऊं, देखो सपोज करो कि मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, मैंने उसको एम्प्लॉय हायर किया और उसके साल भर की सैलरी 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, तो एक बात बताओ, मुझे उसको 6 लाख रुपए पे करने, एक एम्प्लॉय हायर किया, पूरे साल भर काम किया, उसने कहा कि मैं 6 लाख रुपए सैलरी लूंगा, पर मैंने भाई साहब जी को मात्र 4 लाख रुपए दिए, तो भैया एक बात बताओ, 4 लाख रुपए ही दिए, इसका मतलब है 2 लाख रुपए और देने बाकी है, तो वो मेरी क्या लायबिलिटी है। भाई अभी मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने नहीं दिए, पर मैं फ्यूचर में उसको पैसे दूंगा ना, तो भैया मुझे 2 लाख रुपए उस एम्प्लॉय को देने हैं, बिकॉज उसने मेरे यहाँ पे काम किया है, तो वो मेरी हो जाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिकॉज वो मेरा ओनर नहीं है। तो ये इंटरनल क्या होता है,
देखो इंटरनल लाइबिलिटी, देखो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो मुझे मेरे कंपनी के मालिक को पे करना है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री को जो जो पैसा अपने मालिक मुकेश अंबानी जी को पे करना है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, बिकॉज वो कंपनी के ओनर है। कंपनी का जो भी फायदा वो मालिक का होता है, कंपनी का जो भी नुकसान वो मालिक का होता है। तो अगर हमें कोई अमाउंट अपने मालिक को पे करना है तो वो मेरा इंटरनल लायबिलिटी है। तो इधर मालिक ने, मिस्टर राहुल है इस कंपनी का मालिक, और उसने 4 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए, तो मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे वापस 4 लाख फ्यूचर में राहुल को देने है, अगर कल राहुल बिजनेस बंद करता है। राहुल मेरा मालिक है, ही इज अ ओनर, ही इज अ ओनर। तो इसने रिलायबल पेन लिमिटेड में 4 लाख रुपए लगाए, तो मेरे लिए, मैं हूं रिलायबल लिमिटेड, मुझे उसको फ्यूचर में 4 लाख वापिस करने अगर वो बिजनेस क्लोज डाउन करता है, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई है। तो यहां पे लायबिलिटी का अमाउंट क्या आएगा, कैपिटल। हम जब भी कोई लायबिलिटी अमाउंट यूज करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी मालिक के प्रति जो होती है उसको अपन नाम, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, कैपिटल अकाउंट। मालिक है तो कुछ तो अलग डिजर्व करता है ना, तो उसको अपन नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो भी आएगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, जो मालिक है मुकेश अंबानी जी को। ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो मुझे मालिक के अलावा किसी और को पे करनी, जैसे कि आपको बता चुका हूं कि मैंने अगर सैलरी 6 लाख सैलरी ने 4 लाख पे की, तो 2 लाख मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई है। यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं, मेरी कंपनी है, मेरे मालिक ने 4 लाख रुपए जमा कराए, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मालिक ने मुझे 4 लाख रुपए दिए, मुझे और पैसे चाहिए, मैं हूं कंपनी रिलायबल पेन, मुझे और पैसे चाहिए, तो मैंने 3 लाख रुपए किससे ले लिए, मैंने किसी से लोन ले लिया। कितना ले लिया? लोन ले लिया, क्रेडिटर से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। तो भाई साहब मेरे पास टोटल 7 लाख रुपए आ गए, पर इस 7 लाख में से मुझे 4 लाख तो मेरे मालिक को पे करना है। तो ये मेरी हो गई इंटरनल लायबिलिटी, और ये मेरी एक्सटर्नल हो गई जो मालिक के अलावा। कैसे डिफाइन करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल? अरे कंपनी का जितना जिसको फायदा नुकसान होता है वो मालिक होता है, फायदे नुकसान के अलावा जो भी मुझे किसी और को पे करना है तो वो मेरा एक्सटर्नल होता है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये मेरा एक्सटर्नल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो मेरा एक्सटर्नल हो गया। चलो अगर आपने ये हो गया तो एक क्वेश्चन करें फटाफट, तभी बैलेंस शीट तभी तो समझ में आएगी, बिना क्वेश्चन थोड़ी समझ में आएगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। प्लीज प्रिपेयर द बैलेंस शीट रिलायबल पेन लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, कितने स्टार्ट किया बिजनेस कैश में, तो आपको एंट्री आपको रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से करनी है, आपको एंट्री रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से करनी है। तो भैया किसने स्टार्ट किया? रवि ने। तो रवि ने बिजनेस में क्या रुपए लाया? उसने लाया 8 लाख रुपए। तो मेरे पास 8 लाख रुपए आ गए, हाँ मेरे पास 8 लाख रुपए आ गए, तो मेरा कैश, मेरा जो कैश है वो 8 लाख रुपए आ गया, और कैश तो मेरा एसेट है। हाँ भाई, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, ये मेरी रिलायबल पेन लिमिटेड का हो गया, ये मेरा 31/3/24 को बन रहा है एज ऑन। तो भैया मेरे पास एसेट आ गया, कैश आ गया 8 लाख रुपए, रवि लाया। रवि कौन है? मालिक। अरे रवि कौन है भाई साहब? मालिक है, देखो मालिक है। रवि कौन है? ही इज अ ओनर। 8 लाख रुपए डाले, तो भाई मुझे एज अ बिजनेस मुझे उसको फ्यूचर में वापस पे नहीं करना, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी आ गई है। तो यहां पे वो लायबिलिटी आ जाएगा रवि कैपिटल अकाउंट। ब्रिलियंट, रवि कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए। क्लियर है? देखो ना, मैजिकली मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, मैजिकली मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई। सर और कराओ ना। चलो उसके बाद मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख का कैश में, है? मैंने लैपटॉप खरीदा कैश के अंदर। देखो मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख का कैश में, बिजनेस बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर होता है क्या आज के जमाने में? तो मैंने लैपटॉप खरीदा, तो सुनो लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप मेरे पास आ गया, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास लैपटॉप आया। लैपटॉप क्या है? एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है। लो भैया लैपटॉप आ गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लैपटॉप आ गया। कितने का आ गया सर? 1 लाख रुपए का। सर ब्रिलियंट। उसके बाद अरे भाई 1 लाख रुपए आया तो मैंने क्या उसको कैश दिया क्या? हाँ, मैंने लैपटॉप खरीदा, कैश पे किया, तो 1 लाख रुपए से मेरा कैश भाई साहब कम हो गया, 1 लाख रुपए से मेरा कैश कम हो गया। तो अभी 8 लाख कैश है ना, 8 लाख से 1 लाख कम हो जाएगा, तो 8 लाख रुपीज माइनस 1 लाख रुपीज, तो मेरा जो कैश है वो भाई साहब 7 लाख रुपए ही रह गया। अरे 1 लाख कैश पे कर दिया ना, अब मेरे पास 7 लाख कैश ही रह गया। देखो बैलेंस शीट की जो है वो हमेशा टैली हो रही है, कैपिटल 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख रुपए टैली हो गई। ओके एक और करते हैं सर, परचेज मशीन ऑफ
रुपीज 4 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। देखो ये रहा, मैंने एक मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की मित्तल लिमिटेड से, बड़ी शानदार मशीन थी 4 लाख की ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने मित्तल को पैसे नहीं दिए, मित्तल को पैसे नहीं दिए, मशीन ही खरीद ली। अच्छा भैया, मैंने जब मशीन खरीदी तो भैया मशीन कितने की खरीदी? सर मशीन खरीदी मैंने 4 लाख रुपए की। कितने की खरीदी सर? 4 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी। सर क्या बात कर रहे हो, अच्छा 4 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, ओके। क्या मैंने उसको पैसे दिए क्या? सर मैंने उसको पैसे नहीं, सर ऑन क्रेडिट है, मतलब पैसे नहीं दिए तो भैया देने पड़ेंगे, मित्तल को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं दिए, फ्यूचर में देने हैं, लायबिलिटी है। मित्तल कौन है, मालिक है क्या मेरा? नहीं, मेरा मालिक तो भाई साहब रवि है, तो मित्तल को जो भी मुझे पे करना है वो मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएगा, तो वो यहां पे आ जाएगा मेरा मित्तल लिमिटेड। मुझे उसको भाई साहब जी को 4 लाख रुपए पे करने हैं, टोटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए, 5 और 8 और लो 12 लाख रुपए। लो मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई। अरे बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी, क्यों टैली होगी? बिकॉज मैं ड्यूल एंट्री सिस्टम फॉलो करता हूँ, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता हूँ, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कुछ तो होगा, दोनों में फिर डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा ज़्यादा लाइबिलिटी कम। आपको समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट भी बता दिया, ओके। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आप एक लाइक करते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तभी तो YouTube ग्रो करेगा, कमेंट करोगे और मेरा ये चैनल ग्रो करेगा, वीडियो ग्रो करेगा, तो यस लाइक कमेंट करना मत भूलना, वही मेरा मोटिवेशन है, वही आपकी गुरु दक्षिणा है। अच्छा लगे तो ही लाइक करना वरना मत करना, एंड यस यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, सुपर थैंक्स। आप मेरा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ना, वहाँ पे accountfunder.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है क्लास 11th और 12th का, just.com पे जाओ accountfunder.com, 11th का 160 अवर, 12th का 240 अवर कोर्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप वहाँ पे ले सकते हो। तो यस डू गो एंड 160 अवर क्लास 11th का, 240 अवर क्लास 12th का, और कुछ नहीं पढ़ना सीबीएसई के हिसाब से, ओके। एंड यस डू सब्सक्राइब, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट में ऑप्शन बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।